माँ दादी, आज मैं आपको छठे दुर्गा माँ के छठे स्वरूप माँ कात्यायनी के बारे में बता रही हूँ और उनका श्रृंगार भी कर रही हूँ। दुर्गा सप्तशती में देखिए माता रानी ने लाइट पिंक कलर की पोशाक पहन रखी, साड़ी पहन रखी है और दोनों हाथ उनके नज़र आ रहे हैं, अभयदान मुद्रा हैं उनकी, तलवार धारण कर रखी है। तो इसी तरह से मैं श्रृंगार करने की कोशिश कर रही हूँ। तो आइए इस वीडियो में मैं आपको भोग पूजा और उन्होंने ये स्वरूप किस लिए धारण किया था वो सभी मैं बताऊंगी। दुर्गा माँ की छठी शक्ति माँ कात्यायनी नवरात्रि में छठे दिन का कात्यायनी माँ की पूजा की जाती है। इनकी उपासना और आराधना से भक्त को बड़ी आसानी से ही अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष चारों फलों की प्राप्ति होती है और भक्त के जन्मों के कई जन्मों के समस्त पाप भी नष्ट हो जाते हैं। कायत्य गोत्र से विश्व प्रसिद्ध महर्षि कात्यायन ने भगवती माँ की उपासना करी थी, बड़ी कठिन तपस्या की थी और उनकी इच्छा थी कि उन्हें पुत्री प्राप्त हो, उनके घर माँ भगवती पुत्री का स्वरूप लेकर आए और उनके घर पुत्री के रूप में उन्होंने जन्म भी लिया। इसलिए देवी कात्यायनी के नाम से ये प्रख्यात हुई और माँ कात्यायनी कहलाई। इनका स्वरूप अत्यंत भव्य और दिव्य हैं, ये स्वर्ण के समान चमकीली हैं और स्वरूप बड़ा ही मनमोहक है। इनकी चार भुजाएं हैं, दाई तरफ का ऊपर वाला हाथ अभय मुद्रा में तथा नीचे वाले हाथ मुद्रा में हैं और तलवार और कमल धारण करती हैं। इनका वाहन सिंह है और ये बड़ी ही शुभकारी माता मानी जाती हैं। इनके उपासना करने से भक्त के रोग, शोक, संताप और भय नष्ट हो जाते हैं। और इसी तरह से देखिए मैंने बातों में माता का श्रृंगार भी कर लिया है और माता का दुर्गा सप्तशती में देखते हुए ही मैंने श्रृंगार किया है। बड़ी ही कोशिश करी है माता का श्रृंगार करने की और आगे तो माता रानी खुद से अपना श्रृंगार धारण करती हैं। सारे श्रृंगार में आपने देखा होगा 6 दिनों में कि उनके अलग अलग स्वरूप में अलग अलग श्रृंगार उनका हुआ है और बहुत ही सुंदर सा माता रानी ने हर स्वरूप ने में अपना श्रृंगार उन्होंने धारण किया है। मैं एक छोटी सी कोशिश करती हूँ सिर्फ आपको माता का स्वरूप दिखाने की, बाकी तो माता रानी खुद अपना श्रृंगार धारण करती हैं और बड़ी ही प्रसन्नता होती है मुझे उनके सुंदर सुंदर श्रृंगार करते हुए और देखते हुए और बड़ा ही आनंदमयी मन और प्रफुल्लित हो जाता है। और इनका ये स्वरूप बड़ा ही सौम्य है और बड़ा ही प्यारा है। तो देख सकते हैं आपने जो दुर्गा सप्तशती में माता ने धारण किए हैं अस्त्र शस्त्र, वही मैं उनको धारण करवा रही हूँ। और इस तरह से देखिए मैं बाकी के हाथों को छुपाकर आपको दिखा रही हूँ जिससे आपको समझ आए कि माता का श्रृंगार किस तरह से है। माता का बड़ा ही मनमोहक श्रृंगार है। माता को भोग में शहद अति प्रिय है। आज के दिन माता को शहद का भोग लगाया जाता है। माता को गुड़हल का फूल अति प्रिय है। माँ कात्यायनी बड़ा ही शुभ फल प्रदान कर देने वाली हैं। तो इस तरह से देखिए मैंने माता कात्यायनी का श्रृंगार किया है। ये कॉटन की मैंने फैब्रिक लिया है जिसमें चुनरी का प्रिंट है और बहुत ही सुंदर सी साड़ी मैंने पहनाई है। आपको किसी वीडियो में साड़ी पहनाना भी मैं ज़रूर से बताऊंगी। तो इसी तरह से देखिए मैंने माता का श्रृंगार किया है। तो आइए मैं माता के चरणों के दर्शन भी आपको करवाती हूँ। तो देखिए माता के चरणों के दर्शन कीजिए और अपने भाग्य को चमकाइए। माता के चरणों के दर्शन बड़े ही सौभाग्य से मिलते हैं। तो देखिए माता की एक पायल मैं पहनाना भूल गई थी, वो भी मैंने उनको पहनाई है और माता का बड़ा ही प्यारा स्वरूप है। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा है मुझे ज़रूर से बताएं। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो को फैमिली और फ्रेंड में ज़रूर से शेयर कीजिएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद। जय माता दी। माँ कात्यायनी सभी पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखें और सभी को खुश रखें।
जय माता दी।